गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम और आज के अपने इस वीडियो में अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की द फियरलेस काजी, जिसमें आज हम बात करेंगे अपने तीन कैरेक्टर की। जो मेन है, फर्स्ट है सुल्तान गयासुद्दीन जो कि पठानों का किंग है, राजा है। सेकंड वन इज पुअर विडो यानी एक गरीब विधवा स्त्री की और उसके बच्चे की। और थर्ड है काजी जो फियरलेस काजी जिसके बारे में चैप्टर का नाम है। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सुल्तान गयासुद्दीन वाज अ फेमस पठान किंग। वन डे व्हाइल हंटिंग ही किल्ड अ लिटिल बॉय बाय मिस्टेक। एक गयासुद्दीन नाम का एक पठानों का किंग था जिसने गलती से एक दिन शिकार करते वक्त एक बच्चे को मार दिया। द बॉय वाज द ओनली सन ऑफ अ पुअर विडो। वो बच्चा अकेला उसकी माँ के उस विधवा स्त्री का एक अकेला लड़का था। शी केम क्राइंग टू द काजी। वो रोती रोती काजी के यानी जो राजा का जो मंत्री होता है काजी उसके पास गई। शी टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। पर उसने बताया कि कैसे उसने बेटे को राजा ने मार दिया। नाउ द काजी वंडर्ड व्हाट टू डू। अब काजी चौंक गया कि अपन को क्या करना चाहिए। इफ ही वाज जस्ट ही वुड हैव टू पनिश द सुल्तान। उसको क्या करना चाहिए, यदि अगर न्याय होता तो उसको उस राजा को दंड देना चाहिए। इफ ही नॉट पनिश द सुल्तान ही वॉज डूइंग रॉन्ग। अगर वो राजा को उसकी गलती के लिए वो सजा नहीं देता तो वो क्या करता, वो गलती करता। क्यों? क्योंकि उस औरत के साथ क्या होता, अन्याय होता। फाइनली द काजी आस्क्ड द विडो टू कम द नेक्स्ट डे। और आखिर में उस काजी ने उस विधवा स्त्री से बोला कि तुम कल आना, कल हम इसका न्याय का फैसला करेंगे। He then ordered his assistant to go to the Sultan and ask him to come to the Qazi the next day. उसने उसके बाद काजी ने अपने एक सहायक से बोला कि जाओ और तुम राजा से यानी पठानों के किंग जो है सुल्तान गयासुद्दीन उसको बोल के आओ कि मैंने उसको बुलाया है कल सुबह। The assistant was trembling. असिस्टेंट जो सहायक था वो घबराने लग गया, कांपने लग गया कि भैया मैं उसके सामने गया तो कहीं वो भी मुझे ना मार दे। If he did not go, he might lose his job. और अगर वो नहीं जाएगा तो काजी उसको जॉब से उसको नौकरी से निकाल देगा। If he went to the Sultan, he might cut his head. और अगर वो सुल्तान के पास जाता है तो हो सकता है उसका सर वो घर से अलग कर दे। The assistant went and stood outside the Sultan's palace. असिस्टेंट गया और सुल्तान सुबह हुई और असिस्टेंट किसके पास गया, सुल्तान के पास गया और उसके पैलेस के नीचे सामने खड़ा हो गया। With great courage he started saying the morning prayers. और अजीब साहस के साथ उसने सुबह की प्रार्थना बोलनी शुरू कर दी। कहाँ पर, सुल्तान के महल के सामने। The Sultan heard this, सुल्तान ने वो सारा सुना। He ordered his men to bring the assistant inside. Then he asked him, Why are you saying your morning prayers now? This is not the time to say these prayers. फिर उसने बोला कि राजा ने बोला, सुल्तान ने बोला कि जाओ उस असिस्टेंट को तुम अंदर लेकर आओ। फिर उसने पूछा कि क्यों तुम सुबह सुबह ये प्रार्थना बोल रहे हो, ये समय प्रार्थना बोलने का नहीं है। The assistant said, Oh Lord, give me, I forgive me, I have to do my duty. कृपया करके मुझे बख्श दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो अपनी क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ड्यूटी कर रहा हूँ। द काजी हैज सेंट मी टू समन यू एट हिज कोर्ट। काजी ने मुझे यहाँ पर भेजा है किसके लिए, आपके सामने उपस्थित, उनके सामने आपको उपस्थित करने के लिए। यू हैव टू अपियर बिफोर हिम टुमारो मॉर्निंग। और आपको कल सुबह वहाँ पर जाना ही होगा। आई वॉज अफ्रेड टू कम टू यू। मैं आपके पास आने से क्या कर रहा था, डर रहा था। I started saying the prayer so that you may call me. इसीलिए मैंने क्या करी, प्रार्थना करनी शुरू कर दी ताकि आप मुझे अंदर बुला लें। The next morning the Sultan went to the Qazi. He hid a sharp sword under his robe. उसके बाद अगले दिन किसके पास गया, तो सुल्तान गया तो दिन किसके पास गया, काजी के पास गया। और उसने अपने बगल में क्या छुपा रखी थी, छुरी यानी चाकू छुपा रखा था। काजी वॉज इन हिज कोर्ट। काजी कहाँ पर था, वो उसकी अपनी अदालत में था। व्हेन द सुल्तान केम एवरीवन स्टूड अप। और जब सुल्तान आया तो सब परिजन वहाँ पर खड़े हो गए। द काजी डिड नॉट स्टैंड। लेकिन जो काजी था वो खड़ा नहीं हुआ। देन द विडो वॉज कोर्ट,
she described what had happened. उसके बाद उस गरीब स्त्री को, उस गरीब विधवा औरत को बुलाया गया और उसने सब कुछ बताया कि किस तरह सुल्तान ने मेरे बेटे को मार दिया था. The Qazi said, Sultan, you kill her only son. You have done a crime. It is a great loss for her. I ordered you to compensate her. फिर काजी ने सुल्तान से बोला कि तुमने इसके बच्चों को मार दिया, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ कंपनसेट तो करना पड़ेगा, यानी तुम्हें कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो मिलेगी. तो सुल्तान एट वॉन्स बेग पार्डन फ्रॉम द विडो. ही हैड हर गोल्ड, ही गेव हर गोल्ड एंड जेम्स टू दैट शी कुड लिव कंफर्टेबली. उसके बाद उसने उससे क्षमा मांगी और उसको कुछ सोने की मुद्राएं वगैरह पैसे वगैरह दे दी ताकि वो अपनी लाइफ आराम से काट सके. Then the Qazi got up and asked the Sultan to sit on his chair. उसके बाद काजी ने बोला, काजी आप उठा वहाँ से अपनी चेयर से और सुल्तान को बोला कि आओ अब आप मेरी चेयर पर यहाँ पर बैठ जाओ. The Sultan said, Qazi, if you had not given the right judgment, I would have beheaded you. See, I had brought a sword with me. फिर सुल्तान ने बोला कि काजी अगर तुम न्याय की बात नहीं करते, अगर तुम सही बात नहीं करते, इस औरत को न्याय नहीं दिलवाते, मैं अपने बगल में क्या लेकर आया था, सोड़े की तलवार लेकर आया था और मैं तुम्हारा सर घर से अलग कर देता रहा. तुम सही बात, इसको इस स्त्री को न्याय नहीं देते तुम. द काजी सेड, सर इफ यू हैड डिसओबेड मी आई वुड हैव व्हिप्ड यू. अगर काजी ने सुल्तान से बोला कि अगर आप भी मेरी बात नहीं मानते तो मैं आपको क्या मारता, कोड़े मारता, हंटर की मारता. सी आई हैव got a leather knife with me. देखो मेरे पास क्या है, कोड़ा यानी वो जो रस्सी आती है मारने, कोड़े मारने वाली, वो रखी हुई है. Thank God we both did our duty. भगवान का शुक्रिया है कि अपन ने अपन दोनों की नौकरी अच्छे से करी. The Sultan was very happy and impressed the fearless Qazi. सुल्तान बहुत खुश हो गया कि क्या उस काजी ने न्याय की बात करी, यानी सही बात करी, उस गरीब महिला को न्याय दिलवाया और उसने उसको गले लगा लिया. सुल्तान ने काजी को गले लगा लिया. तो आइए देखिए अब हमें इससे क्या सीख मिलती है. हमें इससे यह सीख मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, निडर होकर हमें न्याय का साथ देना चाहिए, हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए और हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए. अगर हम सही हैं तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं हरा सकता. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. द फियरलेस काजी यानी निर्भीक काजी, जिसमें अपने बात करी थी सुल्तान बेहसुद्दीन की, और विडो यानी उस गरीब महिला की, और काजी की जो कि क्या था, फियरलेस था, इससे उस विडो को न्याय दिलाने से. आई होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर. थैंक यू.